मैं महेंद्र कुमार विश्वकर्मा इस समय सागर रोड पर पहुंच गया हूं, जहां पर सनातन प्रेमी कानपुर से लगातार पैदल यात्रा करते हुए जटाशंकर धाम जा रहे हैं। भोले शंभू के अनन्य भक्त हैं और हर वर्ष भोले शंभू के कांवड़ यात्रा को लेकर दर्शन करने पहुंचते हैं। ये सभी सनातन प्रेमी कानपुर से आए हुए हैं। मैं इन्हीं से रूबरू होकर चर्चा करता हूं और पूछता हूं कि आप लोग यह कांवड़ यात्रा लेकर कहां जा रहे हैं। जी, हम कानपुर से पद यात्रा सातों लोग जटाशंकर के लिए जा रहे हैं पैदल यात्रा। हर वर्ष जी, ये हमारा दूसरा वर्ष है। देखिए, अभी बताया सनातन प्रेमी ने कि हम हर साल कानपुर से पैदल यात्रा कांवड़ यात्रा लेकर चलते हैं और लगातार जटाशंकर धाम पहुंचते हैं। यहाँ अन्न और सनातन धर्म प्रेमी हैं जो उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। मैं भैया से भी पूछना चाहता हूँ कि आप कांवड़ यात्रा लेकर कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जटाशंकर जा रहे हैं। क्या नाम है आप? रामकरण द्विवेदी। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप यह कांवड़ यात्रा लेकर कहाँ जा रहे हैं? जटाशंकर। क्या नाम है आपका? संजय कुमार द्विवेदी। देखिए, संजय कुमार द्विवेदी जी ने बताया कि हम यह कांवड़ यात्रा लेकर कानपुर से लगातार पैदल चल रहे हैं और जटाशंकर धाम जाएंगे और भोले शंभू को जल चढ़ाएंगे। रास्ते में इनको कई सनातन प्रेमी मिलते हैं जो इनको लगातार भोजन की व्यवस्था करवाते हैं और सोने की भी व्यवस्था कराते हैं। कहीं कोई इनको दिक्कत नहीं जाती है, क्योंकि अगर सनातन प्रेमी सही अपने सनातन धर्म को लेकर चलता है और भगवान पर आस्था रखता है तो भोलेनाथ भी उसकी लगातार सहायता करते हैं। मैं महेंद्र कुमार विश्वकर्मा, खबर यूपी तक से।